लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, तेरे घर जैसा जहां में ना कोई घर ना मकान। अरे तेरे घर जैसा जहां में ना कोई घर ना मकान। आए जिब्रील जहां लेके इजाजत सहरा, जिनकी आमद पे शहे दीन खड़े हो जाएं। अरे जिनकी आमद पे शहे दीन खड़े हो जाएं। सुहदो तकवा की अमी साहिबे असमत सहरा, फर्श वाले तेरे औसाफ को क्या जाने। फर्श वाले तेरे औसाफ को क्या जाने। अर्श वालों की सुबह पर तेरी मिदहत सहरा, सब्र शहजादे कौनैन की तमसील कहाँ। सब्र शहजादे कौनैन की तमसील कहाँ। तेरा जेवर था तेरे सब्र की ताकत सहरा। जदे अमजद है मेरे साल से हसनैन वली, जदे अमजद है मेरे साल से हसनैन वली, मेरी बख्शिश की जमानत है ये निस्बते सहरा। जनाबी सैयदा फातिमा सहरा सलामुल्लाह अलैहा, एक रात दो रकत नमाज अदा करने के लिए खड़ी हुई और नमाज के अंदर कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। सूरह फातिहा से कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। इतने में क्या देखती हैं कि सुबह की अजान का वक्त हो गया है। उस वक्त वो सूरह नास पढ़ रही थी। जब दो रकतें मुकम्मल कर ली, सुबह का वक्त भी हो गया, तो कहने लगी, या अल्लाह रातें कितनी छोटी हो गई हैं कि मैंने अभी दो रकतें पढ़ी थी तो इतने में सुबह का वक्त हो गया। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने दो रकतों में पूरा कुरान मजीद पढ़ दिया। सुभान अल्लाह। जनाब सैयदा इतनी इबादत गुजार थी कि रात का पहर खत्म होता, मौजन अल्लाह अकबर की सदा लगाता तो आप रो पड़ती कि रात गुजर गई, मैंने उस रब को राजी ना किया। लाई ला भी झूमनी लगा, लाई ला भी झूमनी लगा, सजदा कर रही है फातिमा, फातिमा सजदा कर रही है फातिमा।